और ज्यादा अपडेट के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं रायबरेली से, शिव प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अगर अभिषेक दुबे हमारे साथ लखीमपुर से जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही हरदोई से आलोक और उन्नाव से गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का मैं एक एक करके रुक करना चाहूंगी और यहाँ की स्थिति फिलहाल क्या है ये मैं जानने की यहाँ पर कोशिश करती हूँ। सबसे पहले शिव प्रसाद मैं आपका रुख करना चाहूंगी, रायबरेली की अगर बात करें किस तरह से यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो है मतदाता पहुंचे, वोटिंग यहाँ पर हुई, क्या स्थिति हुई? देखिए वोटर जिस प्रकार से निकल रहा है, दो चरणों में निकला, आज भी निकला, लेकिन जिस प्रकार से आयोग ने वोटिंग को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग और जिस प्रकार से जितना उसमें प्रचार प्रसार किया गया वो फिलहाल नहीं देखने को मिला। यहाँ पुराना जो रहा है वोटिंग परसेंट लगभग 60% थी, उसके आसपास ही रहने अभी तक वोटिंग का ये जो निकल के आ रहा है परसेंट लगभग 60%। इसके अलावा जो अन्य जो चरणों में रहा है कि मशीनों की खराबी और बताया गया नहीं, एजेंटों को बाहर किया गया है, बहुत से लोग उनके नाम काटे, उनके आने जो अभी पंचायत चुनाव के उसमें उनके नाम की इसमें नाम नहीं है, और एक सबसे बड़ी दुविधा ये रही है कि जो अर्धसैनिक बल भेजे गए और लोकल पुलिस को ये नहीं पता था कि मुझे कहाँ लगना है और जो लोकल पुलिस है उसको कहाँ लगना है, इस तरह की तमाम घटनाएं होती रही। और यहाँ इसी आस जो प्रेक्षक बन के आए हैं आयोग ने भेजा, और यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी और जितने भी मजिस्ट्रेट हैं, ऐसा कोई जिम्मेदारी भरा कदम नहीं रहा कि जिस प्रकार से कुल कहें कि वोटिंग चुपचाप शांत पूर्वक हो गई है, कहीं थोड़ा बहुत इधर रहा, लेकिन अंत तक इसको देखने को मिला। अगले जो चरण है वहां ना हो पावे ये आयोग से कम अपील होनी चाहिए, और मैं खुद इंडिया न्यूज अपील करेगा कि कम से कम जो बल है और जिस प्रकार से वोटिंग चुनाव आयोग कर रहा है वो बिल्कुल। शिव प्रसाद हमारे साथ लगातार आप बने रहिए, मैं रुक करना चाहूंगी अभिषेक दुबे का, लखीमपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक मैं आपसे जानना चाहूंगी पिछले अगर चरणों की बात करें तो ऐसे में लखीमपुर में किस तरह से पिछले करण जो चरणों की अपेक्षा अगर उसके कंपेयर किया जाए तो इस बार इस चरण में कितना यहाँ पर उत्साह देखा गया? देखिए जिस तरीके से लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो यहाँ से सुबह से मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला था, और जिस हुआ है जनपद में 62.45% मतदान हुआ है जी, और आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बूथ है यहाँ पे मतदान हो चुका है और जो सबकी किस्मत थी वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, हरदोई से हमारे साथ आलोक जुड़ चुके हैं। आलोक हरदोई के बारे में बताइए, वहां किस तरह की स्थिति देखने को मिली, वहां की तस्वीर कैसी थी? देखिए आपको बताएं कि सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक मतदान में काफी उत्साह था, बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं बच्चे सब डाले थे वोट, लेकिन दोपहर में 1 बजे जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है तो कोई भी मतदाता नहीं था, हालांकि वो लंच टाइम भी होता है तो चलिए मान लिया कि धूप है लग। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि शाम को 5 बजे इस ग्राउंड में आने के बाद जहां हम खड़े हैं ये ग्राउंड भी खाली था। जाहिर सी बात है कि परसेंटेज कमी होगा, 55.40% 5 बजे तक चुनाव हुआ है, अब मतदान हुआ है और 6 बजे 5 से 6 हम यहाँ रुके हैं और यहाँ 5 से 6 के बीच में मात्र 50 वोट पड़े हैं। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि जब सुबह एक बुजुर्ग जो ट्रॉली पे जा सकते हैं, जो पैदल जा सकते हैं, जो चल नहीं पाते वो जा रहे हैं, 70-80-90 साल के लोग वोट करते हैं और लोग तब भी वोट परसेंटेज में भाग नहीं लेते हैं, यह काफी दुर्भाग्य की बात है। जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग और डीएम प्रशासन को यह बात सोचनी पड़ेगी, उन्होंने काफी प्रयास किया कि मतदान बढ़े, लेकिन मतदान 60% से ऊपर नहीं होना है। और आपको बता दें कि 2017 में 59% मतदान हुआ था, 1% मतदान बढ़ेगा। बिल्कुल उन्नाव की मैं रुख करना चाहूंगी, उन्नाव में हमारे सहयोगी गौरव शर्मा है। गौरव जिस तरह से चुनाव प्रचार लगातार पार्टियों ने किया, ऐसे में वोटिंग की अगर बात करें तो कितना बढ़ चढ़कर यहां पर जो वोटर है वो पहुंचा? बिल्कुल जिस तरीके से उन्नाव में चुनाव प्रचार किया, चुनाव के लिए प्रचार प्रसार किया गया था, जागरूकता के क्या अभियान चलाया गया था उन्नाव में अधिकारियों द्वारा, उसका असर हालांकि बहुत खासा देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि पिछली बार जो औसतन वोटिंग हुई थी वही औसतन वोटिंग इस बार भी देखने के लिए मिली है, क्योंकि बहुत अच्छी वोटिंग नहीं कह सकते इसको, क्योंकि 60% के अंदर अगर वोटिंग हो रही है तो बहुत अच्छी वोटिंग नहीं है, क्योंकि 5 बजे तक 55.56% वोटिंग ही हो पाई है और कई जगह पर ईवीएम मशीन खराब हुई, कई जगह पर बहिष्कार हुआ,
चुनाव को लेकर कई जगह पर अभी 8 घंटे तक वोटिंग नहीं हो पाई थी, अभी महज 3.5 घंटे तक वोटिंग हुई। तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत अच्छा वोटिंग प्रतिशत जाएगा उन्नाव का, लेकिन औसतन जो पिछली बार था 2017 में, वो अब 2022 में भी दोहराया जाएगा। 60% जो वोटिंग है वो देखने के लिए मिलेगी। और मैं जिस पोलिंग बूथ पे खड़ा हूँ, हालांकि वहाँ पे काफ़ी महिलाओं की काफ़ी लंबी कतारें थी, इस बार ये कहा जा सकता है कि महिलाएँ जो हैं अपने घरों से निकल कर वोट करने आई थी, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। जो और लोग थे जिन लोगों ने वोट किया, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो यूथ हो, उन्होंने रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर वोट किया। कुछ जो किसान थे उन्होंने अन्ना मवेशियों को लेकर वोट किया। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे थे उनको लेकर भी वोट किया गया। और कहीं और प्रशासन की हिलावाली भी देखने को मिली, क्योंकि कई जगह पर जो ईवीएम मशीन खराब हुई थी, 2-2 घंटे तक ईवीएम मशीन ठीक नहीं हुई, ईवीएम मशीन अगर पहुंचाई गई तो वो चली ही नहीं। तो इस तरीके की जो घटनाएं पूरे दिन बीतती रही, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत जो है वो घटता हुआ दिखा। हो सकता है वोटिंग प्रतिशत 60 के ऊपर जाता, 65 के आसपास जाता, लेकिन अब यह वोटिंग प्रतिशत जो है वो 60 के आसपास ही रह जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा वोटिंग उन्नाव में नहीं हुआ है, ये कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। रायबरेली का हाल मैं जानना चाहूंगी, शिवप्रसाद मैं आपका रुख करती हूं, अगर पिछले अगर चरणों की बात करें तो इस बार क्या लगता है, किन मुद्दों को लेकर जो है मतदाता वोटिंग करने के लिए पहुंचा, क्या मुद्दे थे? हम बता दें कि जिस प्रकार से सत्ता पक्ष और विपक्ष अपना चुनाव प्रचार कर रहा था, कोई राष्ट्रीय बात कर रहा था, कोई जो हमारा पक्ष थे किसानों के मुद्दे थे, बेरोजगारी थी, इसको लेकर के, लेकिन जो मेरा आकलन है, निजी आकलन, एक रिपोर्टर का आकलन, अंत में बीते 2 दिनों से और जो आज वोटिंग हुई है उसमें जो जाति समीकरण बहुत हावी रहा, उसी को आधार मान के विकास तो एक तरफ है, उन्होंने बताया कि अभी हम सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमको मिलना चाहिए 5 साल, और जो विपक्ष है वो बता रहा है कि सरकार ने तमाम ऐसी योजनाएं बनाई, हमारी योजनाओं का इन्होंने फीता काटा। लेकिन जो एक होता है विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा उसकी बात होगी, तो ऐसा फिलहाल देखने को नहीं मिला। बातें जरूर हुई हैं, सबके घोषणा पत्र में रहा है, वो कहीं ऐसा निकल के नहीं आया। यहाँ जो बूथ थे, पोलिंग बूथ थे, वहाँ अलग अलग वो एक तरह का कहें जैसे आपस में मनमुटाव हो गया है, ये चुनाव उस तरह का हो गया है, ऐसे में खैर वोटिंग हो गई है, सकुशल संपन्न हो गई है। कुछ जगह जो है लोकल जो पुलिस है और अर्धसैनिक बलों के बीच ये सामंजस्य नहीं बैठ पाया, उसका खामियाजा वोटरों और एजेंटों को भोगना पड़ा, यहाँ तक कि कई जगह जो है मीडिया कर्मियों को भी भोगना पड़ा। बिल्कुल। लखीमपुर का मैं रुख करना चाहूंगी, अभिषेक हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, अगर वोटर्स की अगर बात की जाए, व्यवस्थाओं जिस तरह से यहाँ पर की गई थी, आज 4th चरण उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का, ऐसे में क्या मतदाता व्यवस्थाओं को लेकर, तैयारियों को लेकर यहाँ पर संतुष्ट नजर आए? देखिए, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हैं, लेकिन छुटमुट कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो आती रही। अगर हम बात करें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र सैनी के पैतृक गांव में, तो वहां पे मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था और सबकी नजर लखीमपुर खीरी में जो बनवीरपुर नजर थी वहां कई बात थी। बिल्कुल, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ को मैं रुख करना चाहूंगी, रवि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, मैं आपसे लखनऊ का हाल जानना चाहती हूँ, वहां पर किस तरह से शाम के 6 बजे तक वोटिंग हुई, प्रतिशत क्या रहा, किस तरह से उत्साह वोटर्स में देखा गया? जी जी, लखनऊ में भी बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो मतदाता लगातार, अगर सुबह की बात करें, सुबह 7:20 से मतदान शुरू हुआ था, उससे पहले से ही लोग जो बूथ पर पहुंचने शुरू हो गए थे। और हालांकि पूरा दिन भर जो मतदान है वो चला है, कहीं ना कहीं इसमें महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, वो साफ तौर पर वोट डालने के लिए पहुँचे हुए थे। और कई ऐसी बुजुर्ग महिलाएं थी जो चल भी नहीं पा रही थी, व्हील चेयर के सहारे वो लोग बूथ तक पहुँची थी, उन्होंने अपना वोट डाला। कहीं ना कहीं तमाम सारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट किया। आपको बता दें कि लखनऊ में जो 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो करीब 54.98% जो है वो मतदान हुआ है। और साफ तौर पे कहीं ना कहीं एक लखनऊ के लोगों के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि लगातार अपील की जा रही थी कि जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर इस महापर्व में शामिल हों और मतदान करने के लिए पहुंचे और एक ऐसी सरकार बनाए ताकि जो लोगों के लिए हितों में को लेकर काम करें। और साफ तौर पर मतदान हो रहा, हालांकि अभी 1 घंटे का वक्त और बचा हुआ है, और उम्मीद ये की जा रही है कि जब 6 बजे के करीब जब ये मतदान है वो समाप्त होगा तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है, जो प्रतिशत है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। और कहीं ना कहीं जो लोगों से जो उम्मीद की जा रही थी कि जो एक लोकतंत्र का
वहाँ पर्व मनाया जा रहा है, इसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे और लोग उसमें बढ़ चढ़कर शामिल होते हुए भी नजर आए। बिल्कुल, आलोक सिंह हमारे साथ हरदोई से बने हुए हैं। आलोक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से सुबह से शुरुआत हुई वोटिंग की, ऐसे में लगातार जो है वोटर्स की संख्या देखी जा रही थी, बढ़ चढ़कर वोटिंग करने वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे, ऐसे में शाम 6 बजे तक किस तरह से यहां पर जो है स्थिति देखी गई? क्या सुबह के वक्त ज्यादा संख्या यहां पर वोटर्स की देखी जा रही थी और दिन ढलते ढलते शाम तक कैसा हाल था? जी देखिए, यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने व्यवस्था की थी कि वोटर ज्यादा से ज्यादा पड़े, मीडिया ने काफी प्रयास किया, लेकिन 7 बजे से 12 बजे तक उत्साह देखा गया, लेकिन उसके बाद कोई उत्साह नहीं देखा गया शहर में। शहर में जनता पढ़ी लिखी होती है, यही इसीलिए हम इसको दुर्भाग्य कह रहे हैं। बाकी गांवों में अभी भी वोटिंग चल रही है, वोटिंग हो रही है, जो नहीं लाइव चल रहा है ट्रेन में, लोग अब भी वोटिंग कर रहे हैं। यही कारण है कि परसेंटेज 60% पहुंच भी जाएगा, वरना ये 55-57% पर रह जाता। शहर का वोटर वोट नहीं डालता है, ये काफी चिंता की बात है। और चिंता इसलिए भी है कि 5 बजे के बाद 5 से 6 का जो समय होता है, इस वक्त हर आदमी खाली है, वोट डालने आ सकता है, गर्मी नहीं होती, सूरज नहीं होता, लेकिन नहीं आए। गौरव, क्या यहाँ पर माना जाए, वजह यहाँ पर क्या हो सकती है? अगर उन्नाव की बात करें तो क्या वजह है कि वोटर जो है उत्साह उसमें नहीं देखा गया, क्यों जो वोटिंग प्रतिशत वो कम हो गया? क्या कोई यहाँ पर कोई एज ग्रुप है उनमें इस तरह की ज्यादा सिचुएशन या स्थिति देखी गई है? देखिए, ये बात मैं बता दूं आपको, जो गैदरिंग यहाँ पे मिलनी चाहिए वोटिंग स्थल पे, जो वोटिंग पॉइंट है वहाँ पे, वो गैदरिंग देखने के लिए इस नहीं ये भी नहीं मिल पाई, क्योंकि जो व्यवस्थाएं थी, जिन व्यवस्थाओं की बात कही जा रही थी, वो व्यवस्थाएं लोगों को नहीं मिल पाई। और साफ तौर पे यहाँ पे जो उन्नाव का एरिया है वो ग्रामीण अंचल क्षेत्रों से आता है, क्योंकि यहाँ पे जो लगभग 60% जो ग्रामीण इलाका है, और महज जो आप कह सकते हैं 30% ही शहर और टाउन एरिया है। तो इसलिए जो शहर का वोटर है, जो पढ़ा लिखा वोटर है, वो तो घरों से निकला, लेकिन जो ग्रामीण अंचल है उनके पास मुद्दों की शिकायत थी, उनके पास सड़क की शिकायत थी, उनके पास तालाब की शिकायत थी, उनके पास जमीनी विवाद की शिकायत थी, जो कि वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हल नहीं कर पाते हैं, यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि होते हैं वो हल नहीं कर पाते हैं, जिसको लेकर नाराजगी देखने के लिए मिली। उसी नाराजगी का खामियाजा यहाँ पे जो वोटिंग पॉइंट पे लोग नहीं आए ये देखने के लिए मिला। प्रशासन हालांकि लगातार जोर आजमाइश करता रहा, अभी 3 घंटे पहले अपील की गई थी DM SP और CDO द्वारा कि लोग अपने घरों से निकले वोट करें, तो वो अपील भी शायद काम नहीं आई है। तो ये कहा जा सकता है कि लोग अपने घरों से वोट करने के लिए नहीं निकले, और जो निकले वो जो EVM की खराबी रही, VVPAT की खराबी रही, दो दो घंटे इंतजार किया, दो दो घंटे तक EVM सही नहीं हो पाई, VVPAT सही नहीं हो पाया, मशीन नहीं चल पाई, तो ये काफी जो शिकायतें हैं इनको लेकर भी लोग नाराज होकर वोटिंग पॉइंट से अपने घरों को वापस चले गए। तो ये सब चीजें जो देखने के लिए मिली, इसी कारण जो वोटिंग प्रतिशत है वो घट गया। लोग घरों से जो लोग वापस गए उन्होंने अपने घरों में जाके बताया कि भाई जानते कहते वहां पे दो दो घंटे मशीन नहीं थी, गए हम वहां दो दो घंटे खड़े रहे, भूखे प्यासे, यहाँ व्यवस्था नहीं थी, फोर्स जो थी फोर्स अपना काम कर रही थी, क्योंकि भाई ज्यादा देर तक कोई भी गैदरिंग नहीं कर सकता है, भीड़ नहीं लगा सकता है। लेकिन उसके बावजूद जो है वोटर मतदान केंद्र नहीं पहुंचा, वोटिंग करने नहीं पहुंचा, क्या वजह है? मुद्दे होने के बावजूद भी क्या यहां भी नाराजगी देखी गई? वहाँ देखिए, जाहिर है अलग अलग मुद्दे हैं और मुद्दों को लेकर ही जो लोग बूथ पर पहुँचे थे, बहुत सी महिलाओं से बात हुई जिनका साफ तौर पर कहना था कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर वो इस बार वोट करने जा रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, महंगाई का जो मामला है उसको भी लेकर, और उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो राष्ट्रवाद की बात भी कह रहे थे, और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो कहीं ना कहीं बिजली की बात भी कर रहे थे। यानी कि सबके अलग अलग मुद्दे हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा वो निकल कर आया वो रोजगार का मुद्दा था, शिक्षा का जो मुद्दा था, इस मुद्दे को लेकर लोग वोट करने के लिए पहुँचे थे। आपको बता दें कि जो 5 बजे तक का जो प्रतिशत आया पूरे ऑल ओवर यूपी का 57.45% इतना मतदान हुआ है। हालांकि एक घंटे का जो औसत है वो बताया जा रहा है करीब 60% के आसपास या उससे ऊपर भी हो सकता है। यानी कि जो मतदाताओं से जो उम्मीद की गई थी वो लोग बढ़ चढ़ कर आगे भी आए और लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। तो देखा आपने किस तरह से जो वोटिंग प्रतिशत था शाम 5 बजे तक का, वो हमारे सहयोगी ने बनाने की कोशिश की।